तो दोस्तों इसके अंदर मैंने तीन टेस्ट किए हैं। पहला इसका टेस्ट मैंने जो मेरे को कंप्लेंट आ रही थी साउंड क्वालिटी का, तो मैंने साउंड क्वालिटी का टेस्ट किया हुआ है। सेकंड इसके टच ऑपरेशंस जिस टच फीचर है वो मैंने टेस्ट किए हुए हैं। और थर्ड इसका माइक्रोफोन यानी माइक मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, सारे टेस्ट चेक करके जाइएगा। हाय, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल पुष्पाकर। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर स्माइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम आपके लिए ईयरबड्स लेके आए हैं वो है यूवॉन बीटी 95 एक्टिव सीरीज 4.0। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार चेक भी करा लेते हैं। ये मॉडल है, इसको फटाफट बिना टाइम वेस्ट के ओपन करते हैं और इसके जो भी टचिंग ऑपरेशंस हैं और जितने भी इसके फीचर हैं वो आपको बताते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों ये हमारे पास आ चुका है यूबॉन बीटी 95 एक्टिव सीरीज 4.0। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे 30 घंटे का बैटरी बैकअप लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसको अनबॉक्स करने से पहले आप कुछ इसके स्पेसिफिकेशन कुछ फीचर है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो इसका स्टैंड बाय है वो 300 घंटे का दिया हुआ है। और इसका जो डिस्टेंस है मतलब कितनी दूर पर मोबाइल इसको दूर रख के चला सकते हो वो 12 मीटर की दूरी है जो डिस्टेंस है। और इसका जो केस है जो मतलब कि केस है, केस का जो बैटरी बैकअप है उसकी बैटरी बैकअप है 200 mAh की। ठीक है दोस्तों, और 225 mAh इसका जो है बैटरी कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर टाइप सी चार्जिंग दिया हुआ है। बाकी इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देते हैं जो जो है। ये तो हमारा मेन टॉपिक, इसको एक सेकंड के लिए साइड करते हैं। और अपने को इसके साथ मिल जाता है एक ये गारंटी वारंटी कार्ड सा। ठीक है दोस्तों, और ये अपने को मिल जाता है सिलिकॉन का केस। ठीक है, और इस साइड अपने को मिल जाता है ये यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिससे आप गाइडनेस दे सकते हो आराम से इसको चलाने के लिए, इसके फीचर वगैरह समझ सकते हो, सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अपने को बुकलेट मिल जाती है। ठीक है, अदर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए है। और ये अपने को ए टिप्स मिल जाते हैं, और ये अपने को सी टाइप की चार्जिंग मिल जाती है। ठीक है, और ये अपना हैंगिंग है जो कि आप इसे हैंग कर सकते हो आप। ठीक है, आराम से लगा के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लगाया, फंसाया, एक सेकंड में हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर एयरपोर्ट डाला, चलो आपका केस रेडी हो गया। कुछ इस तरह लगता है हैंग करने के बाद। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, यूबॉन की ब्रांडिंग इसके केस पे भी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हैंग हो गया। ठीक है, अब इसके फीचर वगैरह की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके टच ऑपरेशंस को उसको भी चेक करते हैं चल के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टच ऑपरेशंस के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। इसका जो ब्लूटूथ कनेक्ट है वो हमने मोबाइल से अपने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका टच ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सिंगल टच करते हो तो कॉल उठ जाएगी, सिंगल टच करोगे तो कॉल कट जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गाना प्ले करना है तो आप सिंगल टच करोगे तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको सिंगल टच करोगे एक बार तो गाना आपका रुक जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 3 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखोगे, ठीक है, एयरबड को, तो आपका सीरी चालू हो जाएगा। मतलब गूगल वर्जन, जैसे कि हेलो गूगल, ये यहाँ पे देख लो, आप देख सकते हो हेलो गूगल आ गया। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको एक सेकंड इसको बैक कर लो पहले। ठीक है, अगर आप ये मान लो सॉन्ग चल रहा है, अगर आप इसको यहीं से कंट्रोल करना चाहते हो तो इसको दो बार दबाओगे तो गाना आगे चला जाएगा, मतलब वीडियो आगे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आप 3 बार दबाओगे 1 2 3 तो वीडियो पीछे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया, दोनों साइड आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही टच ऑपरेशंस की बात। और एक चीज़ आपको और बताएंगे दोस्तों कि अब इसका चलते हैं माइक टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सिग्नल दे रहा है, पहले इस माइक को मैं बंद कर लेता हूँ माइक टेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ यहाँ से दबा के। अभी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, बंद हो जाएगा दोनों। चल ये भी बंद हो जाए भाई। ठीक है, अब माइक टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो माइक टेस्ट करने के लिए हमने किया हुआ है। तो जो अभी आवाज़ मेरी सुन रहे हो इसी माइक से रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने पर्सनल माइक मैंने बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये पर्सनल माइक मैंने बंद करके मैंने कहा चलो इसी से टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता लगेगा
एयरबड्स की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा आवाज़ कैसे आ रही है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। बाकी सब कान पर एक बार आप बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, सुनाई दे रहा है, कितना अच्छा सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों माइक टेस्ट के बाद हम लोग इसका साउंड टेस्ट करेंगे, बेस टेस्ट करेंगे कितनी अच्छी क्वालिटी साउंड की है। तो मैंने पेयर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। मैं इसका साउंड प्ले करके देखते हैं हम लोग। मुझे बाबर मुदस्सर का सॉन्ग बहुत पसंद है, तो मैं कहा चलो उन्हीं के प्ले करके देखते हैं, चेक करते हैं इसके साउंड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है दोस्तों। तो दिल में पुकारे आजा मेरे, तो दोस्तों ओवरऑल साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस इसकी बहुत ही क्लियर आ रही है, ठीक है। और अगर हम बीट की बात करें, मतलब कि जैसे कि पीछे जितने बैकग्राउंड म्यूज़िक चलते हैं वो भी काफ़ी क्लियर आ रहे हैं, अच्छे साउंड आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आवाज़ पूरी क्लियर आ रही है साउंड की। तो अगर इसको रैंकिंग की बात करें, 10 में से मैं इसे कितने नंबर देना चाहूँगा, तो मैं इसे 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा, आउट ऑफ 10 में से 8 नंबर इसको देना चाहेंगे, रैंकिंग इसकी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एयरबड्स आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, ठीक है। इसका मैंने माइक भी टेस्ट कर दिया, इसके जो फीचर वगैरह थे वो भी आपको टच ऑपरेशन मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।